अब एक बारगी अगर हम पीछे देखते हैं, एक बारगी पीछे देखते हैं, एग्जिट पोल को पीछे देखते हैं, वहां से यहां तक क्या आपने देखा गोदी मीडिया में, क्या आपने देखा और क्या आपने देखा सेंसेक्स में, आपने देखा कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई और किस तरीके से चने की झाड़ पर चढ़ाकर फिर देश को पटक दिया गया, क्या ये कोई साजिश थी, चाल थी, क्या था, क्या समझ में आता है आपको, एक बार दर्शकों को बहुत आराम से समझाइएगा प्लीज। देखिए मैं दर्शकों से बिल्कुल एक बात बड़ी स्पष्टता के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि करीब एक दशक के बाद, और अगर मैं ये कहूं कि डेढ़ दशक के बाद, देश में ये देखने को मिला कि विपक्ष ने बहुत संतुलित और बहुत नपातुला चुनाव लड़ा। विपक्ष की हर मोर्चे पर तैयारी थी, सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक, कागज पत्तर में, चुनाव आयोग के दफ्तर जाने तक और अपनी मीटिंग्स में। इसका प्रमाण हमको 1 जून को देखने को मिला, जब जिस दिन एग्जिट पोल्स आ रहे थे, जिस दिन सातवें चरण का मतदान था, उस दिन विपक्ष ने अपनी बैठक करके अपने संयुक्त होने का एक संदेश पूरे देश को दे दिया, चुनाव आयोग को दे दिया और मौजूदा केंद्र सरकार को भी दे दिया कि हम एकजुट हैं, हमारे अंदर कोई गतिरोध नहीं। पहला यहां से एक नैरेटिव सेट हुआ। दूसरा, वो जिस तरीके से आपने भी तमाम खुलासे किए कि किस तरीके से एग्जिट पोल्स में आंकड़ों की हेरा फेरी की गई, किस तरीके से जनता के मन मस्तिष्क में ये बात बिठाने की कोशिश की गई कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हैट्रिक लगा रही है, सरकार बना रही है और नरेंद्र मोदी 400 सीटें ला करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, फलानी फलानी चीजें जो बहुत सी रही उसमें, एक बात। दूसरी बात, जब नतीजे आने थे तो उसके पहले आप देखिए, यानी कि आज 4 जून है, आज से पहले अखिलेश यादव, राहुल गांधी, विपक्ष के तमाम नेताओं ने अपने बूथ एजेंट्स को, अपने काउंटिंग एजेंट्स को ये सक्रिय किया कि आप लोग काउंटिंग के दौरान बेहद सतर्क रहें, बेहद सतर्क रहें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। एक नया टर्म हमको और आपको भी सुनने को मिला, जाहिर तौर पर आप पहले से जानते रहे होंगे उस टर्म को, लेकिन हमने जो टर्म सुना भरत जी वो था फॉर्म 17C। और फॉर्म 17C की इतनी ज्यादा चर्चा रही, इतनी ज्यादा चर्चा रही, इवन चुनाव आयोग को भी ये बात रखनी पड़ी कि 17C भी कोई मुद्दा है, 17C के बारे में भी बात होने लगी, एक आम आदमी ये पूछने लगा कि भाई 17C है क्या, एक बात। दूसरा बात, जयराम रमेश ने जो तमाम आरोप लगाए कि 150 DM को फोन किया गया, काउंटिंग धीमे कराई जाएगी इस तरीके से, तो चुनाव आयोग एक प्रेशर में आया। अभी तक क्या था कि भारतीय जनता पार्टी प्रेशर क्रिएट करती थी, लेकिन इस बार विपक्ष ने प्रेशर क्रिएट किए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, अपने ट्वीट से, अपने वीडियोस से, और जो एक इन्होंने नारा लगाया अब की बार 400 पार, वो हिट नहीं किया लोगों को, कतई हिट नहीं किया। हिट क्या किया लोगों को, संविधान बचाना है, हाथ बदलेगा हालात, पीडीए सरकार, इस तरीके के नारे लोगों को बहुत हिट कर गए, और संविधान सबसे ज्यादा हिट किया लोग। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी पिछली बार 10 सीटें जीती, लेकिन इस बार क्या हुआ 2024 में, क्योंकि लोगों के माइंड में ये बात आ गई कि उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई है सिर्फ एक लड़ाई है, एनडीए बनाम इंडिया, इसके इतर कहीं कोई खड़ा नहीं होता। एक सीट को आप अलग से मान लीजिए उत्तर प्रदेश में, नगीना की सीट को, लेकिन उसमें भी बहुत जिम्मेदारी से मैं कहता हूं कि नगीना की सीट की जीत चंद्रशेखर की इंडिविजुअल मेहनत की जीत है, पहली बात। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहूंगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जीत मिली, देखिए हम और आप ये बात करते थे कि आखिर अखिलेश यादव कर क्या रहे हैं, किस तरीके से प्रत्याशी बदल रहे हैं, एक एक सीट पर 2-2 बार, 3-3 बार प्रत्याशी बदले जा रहे हैं, आखिर इस तरीके की चीजें क्यों हो रही हैं। लेकिन अखिलेश यादव की वो, जैसे आपको याद होगा कल भी मेरी आपसे इस बात पर चर्चा हो रही थी कि अखिलेश यादव ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि 26 सीटें तो हर हालत में हम जीत रहे हैं, ये अखिलेश यादव का स्टेटमेंट था कि हम 26 सीटें जीत रहे हैं। और उसके बाद देखिए इंडिया गठबंधन जिस तरीके से सीटें जीता, और मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि अगर इस चुनाव में थोड़ी बहुत जो कमियां रह गई, अगर वो ना रहती भरत जी, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 55 से 60 सीटें भी जीत सकता था, 55 से 60 सीटें, क्योंकि अभी भी कई जगह काउंटिंग्स चल रही है, कई जगह इलेक्शन कमीशन डेटा कलेक्शन के प्रोसेस में लगा हुआ है। लेकिन और आप देखिए उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ी जो जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी में, महेश शर्मा को आप छोड़ दीजिए, उसके बाद कौन सी बहुत बड़ी जीत है, नरेंद्र मोदी को किनारे रख दीजिए, लेकिन पुष्पेंद्र सरोज जैसा 25 साल का लड़का 1,15,000 वोट से भाजपा के विनोद सोनकर को चुनाव हरा देता है,
प्रिया सरोज नाम की एक 26 साल की नई लड़की जो वकालत का काम करती है, वो मछली शहर में बीपी सरोज को चुनाव हरा देती है। इकरा हसन जैसी प्रत्याशी तकरीबन 1,00,000 वोटों से चुनाव जीत कर आ जाती है। चंद्रशेखर 1,25,000 से करीब करीब उनका जो आंकड़ा है 1.25-2 लाख के आसपास का है, उस आंकड़े से चंद्रशेखर चुनाव जीत जाते हैं। ये इतनी जल्दी आसान नहीं था। जब 10 साल की मोदी सरकार हो, जब राम मंदिर हो, जब 370 मुद्दे की ब्रांडिंग हो, जब बुलडोजर की ब्रांडिंग हो, उसके बीच में इकरा, चंद्रशेखर, प्रिया सरोज, पुष्पेंद्र सरोज जैसे युवा चेहरे चुनाव जीत करके आ जाते। और मैं तो देश की जनता को और खास तौर पर इन संसदीय क्षेत्रों की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया है, उन्होंने देश की संसद को मजबूत किया है। मैंने एक लोगों से पूछा कि भारतीय जनता पार्टी क्या बहुमत पा लेगी उत्तर प्रदेश में। ये सवाल मेरा 3 दिन पहले का है, एग्जिट पोल के पहले का। तो उन्होंने मुझको एक मैसेज किया, बीजेपी विल कंफर्टेबली विन, बड़ी आसानी से बीजेपी जीत लेगी। तो मैंने उनसे एक अगला सवाल दागा, उत्तर प्रदेश ? उन्होंने बोला कि उत्तर प्रदेश क्लीन स्वीप, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से लोग, असल में कोई आकलन भरत जी था ही नहीं, कोई आकलन नहीं, कोई जमीनी रिपोर्ट नहीं। मैंने देखा है कि गोदी मीडिया के तमाम जो रथ, हेलीकॉप्टर और ई रिक्शा जितने जिस तरीके से कवरेज हो रही थी, अगर कोई ये कहने लगता था कि एंकर महोदय हमारे लिए अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा है, अच्छा अब तो वो कहते हैं आपसे बात करेंगे, लेकिन ये बताइए सैम पित्रोदा ने जो कहा है उस पर आप क्या कहेंगे? जनता के दिमाग में नोटिस की गई कि हेलीकॉप्टर से जो लोग शो कर रहे थे, तो हेलीपैड पर ही दुकानें लगवाई जाती थी नकली चाय की, हेलीपैड पर ही वो जो बाजारों में सामान मिलता है वो टंगवाया जाता था ताकि लगे कि हम बाजार के बीच में हैं, लोगों के बीच में, और वहां पर लोग बुलाए जाते थे, अपनी मनमाफिक लोग बुलाए जाते थे, वो बात करते थे वहां पर खड़े होकर। भरत जी आपको मैं बता रहा हूं कि देश के अगर असली पत्रकार, मैं असली नकली की कोई बात नहीं करता, लेकिन वाकई जमीनी पत्रकार जो ग्राउंड पर जाते हैं, जिन तमाम रिपोर्टर्स को आप भेजते हैं, उनके लिए एक होमगार्ड नहीं खड़ा होगा, लेकिन जो हेलीकॉप्टर से पत्रकारिता करने आए थे उनके लिए 4 थानों की फोर्स खड़ी थी, 4 थानों की फोर्स, पीएसी अलग से थी कि कहीं कोई परिंदा भी पर ना मार सके। इस देश में क्या इस तरीके की पत्रकारिता होगी? क्या इस तरीके की पत्रकारिता हम देखेंगे? हमें नहीं चाहिए आप हेलीकॉप्टर से आइए, आप नाव में आइए, आप बोट में आइए, आप हमारे मुद्दों की बात करिए। जब हम आपसे कह रहे हैं कि यहां पर बिजली की समस्या है, तो आप हमको ये मत बताइए कि सैम पित्रोदा ने क्या कहा, उनके बयान से हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारे मुद्दे क्या हैं, जनता के मुद्दे क्या हैं। जनता ये चाहती है कि रोजगार पर बात हो, अग्निवीर पर बात हो, बेरोजगारी पर बात हो, महंगाई पर बात हो, तो इन मुद्दों पर बात क्यों नहीं होगी? लेकिन इन मुद्दों पर बात नहीं हुई। बात किस पे हुई? 400 सीटें आ रही हैं। मैंने तो बड़े क्रिएटिव और बड़े आकर्षक हेडलाइन और थंब देखे चैनलों के कि मोदी जी 400 सीटें जीतेंगे कैसे, हम बताएंगे ऐसे, पक्का है थर्ड टर्म, आज खबर देखिए कंफर्म, आप कैसे कर। और एक चैनल, मैं तो हतप्रभ रह गया था अनुज जी, हतप्रभ। तमाम एंकर्स बैठे थे, उनके पीछे लिखा था मोदी 3.0, यानी मोदी का तीसरा टर्म आ गया। आप चुनाव आयोग से ऊपर, आप जनादेश से ऊपर, ना कोई क्वेश्चन मार्क, ना कोई डंडा, कुछ नहीं, किसी तरीके का कोई संदेह, कोई आशंका है ही नहीं, और आप सीधे सीधे कह रहे हैं मोदी 3.0, ये कैसे हो सकता है? लेकिन इसका भी जवाब किसी के पास नहीं। और भरत जी मैं एक बात फिर से दोहरा रहा हूं, वो तमाम एग्जिट पोल करने वाले लोग जो आज आंसू बहा रहे हैं, वो तमाम एग्जिट पोल्स का बखान करने वाले एंकर्स, आज उनको भारत से माफी मांगनी चाहिए, पूरे देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बड़ी बेशर्मी से दलील लिख दिया था इन लोगों ने मोदी सरकार 3.0, बड़ी बेशर्मी से इन लोगों ने कल लिख दिया था मोदी सरकार 3.0। और भारतीय जनता पार्टी बहुमत से बहुत दूर है, 240 घट गई, आंकड़ा बहुत तेजी से घट गया है। नरेंद्र मोदी जी की अपनी भाजपा सिर्फ 240 पर सिमट गई है, चंद्रकांत जी ओनली 240। अब आप इससे अंदाजा लगाइए भरत जी कि अगर एग्जिट पोल्स के नतीजों को, एग्जिट पोल्स के जो आकलन थे उनको इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों पेश किया गया। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैं आपसे फिर बड़ी जिम्मेदारी के साथ, चंद्रकांत जी मैं तो डिबेट, तो क्या है कि लोग डिबेट करते हैं, हम और आप तो अपने दर्शकों से बात करते हैं, आपसे बात करते हैं, हम लोग आपसी बात करते हैं। आप देखिए
कि इन लोगों ने कैसे संगठित गिरोह बनाकर लूटा है इस देश को। क्या किया, पहले मोदी ने एक बात कही, मोदी ने एक बात कही कि सेंसेक्स ऊपर जाएगा, ये बात कही, ये बात दर्ज है, कही, बिल्कुल दर्ज है, दर्ज। क्रोनोलॉजी समझिए, अगला क्या हुआ, एग्जिट पोल वालों ने इतनी गद्दारी और बेईमानी की इस देश के साथ कि वैसा ही एग्जिट पोल दिया जिसमें भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें जीत रही थी, और आप ना मानिए तो एग्जिट पोल हमारे पास है, उल्टा चश्मा यूसी कभी कोई चीज झूठ नहीं दिखाता बताता, ये एग्जिट पोल है, इसमें देखिए चाणक्य 400 दे रहा, 281, 342, 339, 353, ये वो लोग हैं चाटुकार लोग, देखिए कितनी कितनी सीटें ये दे रहे थे, एग्जिट पोल हमने आपको दिखाया। इन लोगों ने फिर उसके बाद एग्जिट पोल दिखाया, एग्जिट पोल दिखाकर अपने लोग सेट कर लिए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, अपने लोग सेट कर लिए होंगे कि भैया तुम पैसा लगा लो शेयर मार्केट में, अप जाएगा, हम बनाएंगे मोदी सरकार, अप जाएगा ऊपर, और जब नीचे जाने वाला होगा तो बता देंगे कि एग्जिट पोल एक समय में लगाना, पैसा निकाल लेना, और जो आम आदमी था बेचारा मारा गया, सब अब मारा गया, गिर गया, सब धड़ाम हो गया, शेयर बाजार जमीन पे आ गया, धड़ाम हो गया। अब ये देखिए कि किस तरीके से संगठित तरीके से लोगों को लूटा। लेकिन अब हमारे साथ मैंग भी जुड़ चुके हैं, अनुज जी भी जुड़ चुके हैं, हम बड़ा आराम से अब ये समझना चाहते हैं, 15-20 मिनट में ये समझना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी बड़े बड़े दावे करते थे, महामानव वाले दावे करते थे, और कहते थे बायोलॉजिकल नहीं हूं मैं, परमात्मा ने मुझे भेजा है, ये सब बड़ी बड़ी चीजें सब करते थे, कहां पर चूक गए, हार क्यों है, हमारे दर्शक समझना चाहते हैं कहां पर चूक गए, क्योंकि बड़े बड़े चुनाव इन लोगों ने जीत लिए कि मोदी है, मोदी की गारंटी, मोदी की है, मोदी फलाना, मोदी का वो, इस बार क्यों नहीं, कहां चूक रह गई मयंक जी, कहां चूके। देखिए भरत जी, इसमें दो तीन चीजें निकल के आ रही है, पहला तो चूके, क्या चूके वर्ड सही है, या जनता ने जो है वो घर भेज दिया है कि जाओ बहुत हो चुका। नहीं भरत जी, चूके तो इन्होंने पूरी मेहनत की, चाहे बस्ती में तोड़फोड़ करना हो वहाँ भी चुनाव हारे, या फिर जौनपुर में तोड़फोड़ करना हो वहाँ भी चुनाव हारे, आजमगढ़ में तोड़फोड़ करना हो वहाँ भी चुनाव हारे, ये प्रतापगढ़ में राजा भैया के साथ डील करनी हो वहाँ भी चुनाव हारे, कौशाम्बी भी चुनाव हारे, ये ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे इन्होंने कोशिश नहीं की। इस बार भरत जी जनता ने मूड बना लिया था, और राहुल गांधी ने भी पीसी की है, उन्होंने कहा है कि यूपी के लोगों ने कमाल कर दिया है, ये संविधान की किताब हाथ में दिखाई है और कहा कि संविधान देख रहे हैं, इस संविधान ने ये चुनाव को बचा के रखा है, उन्होंने कहा है कि साफ तौर पे यूपी की जनता ने ये परिणाम पूरा बदल दिया है, और खासकर यूपी के उन लोगों ने जो संविधान की रक्षा की बात कही है। भरत जी, यूपी में जो अभी तक के परिणाम आ रहे हैं वो दो चीजें खासकर फोकस है उसमें, एक तो जातिगत समीकरण और दूसरा संविधान, दो फैक्टर बहुत चले हैं, उन सीटों पर हार हुई है बीजेपी की जहां पर कभी बीजेपी ने सोचा भी नहीं था, अयोध्या शायद बीजेपी में कभी सोचा हो कि वो चुनाव हारेंगे, अजय मिश्रा टेनी जहां पर पूरी बीजेपी कॉन्फिडेंट थी कि चुनाव जीतेगी वहां पर चुनाव हारी है, सिर्फ वहां पर दो चीजें, अमित शाह ने कहा था वहां की सीट पर जाकर कि इनको जिता दो माला माल कर दूंगा सबको, क्या बोले थे, बड़ा आदमी बना दूंगा भरत जी, बड़ा आदमी बना दूंगा, बहुत बड़ा आदमी, लेकिन जनता ने मूड बना लिया था। अमेठी, स्मृति ईरानी, आप देखिए, शायद हमने भी इस बात पे चर्चा की थी कि हार जीत हो सकती है, 20-25-50 हजार का अंतर हो सकता है, लेकिन 1,10,000 का मार्जिन शायद किसी ने सोचा हो। लखनऊ, राजनाथ सिंह भले चुनाव जीते हों लेकिन मार्जिन 4 लाख से घट के 75,000 रह जाता है, आप सोच नहीं सकते। कौशल किशोर सिंह, जातिगत समीकरण इतना उल्टा बैठा कि पूरी तरीके से चुनाव ध्वस्त हो गया। आप देखिए राहुल गांधी 4 लाख के करीब वोटों से जीतते हैं, यानी ऐसी कोई सीट नहीं है जहां पर या तो बीजेपी जीती है तो बहुत कम मार्जिन से, और जहां पर हारी है वहां पर पूरी तरीके से गठबंधन बूम कर गया। आप सोचिए नरेश उत्तम पटेल भी चुनाव जीते हैं, मतलब जनता ने मन बना लिया था कि इस बार चुनाव हराना है तो हराना है। दो चीजें खास कर रही हैं, संविधान फैक्टर और दूसरी चीज जातिगत समीकरण बहुत ज्यादा हावी रहे भरत जी यूपी में। एक सीट और है जिसका जिक्र करना आप भूल गए, पीलीभीत को क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल, देखिए पीलीभीत सीट रही है, पीलीभीत सीट जीती है, मतलब लेकिन वहां पर
कुछ चीजें हमें लगता है गठबंधन कमजोर रहा है, गठबंधन को ऐसा लग नहीं रहा था कि वहां पर जीतेंगे, या फिर वहां पर हम मुझे लगता है बड़े नेताओं को प्रचार के लिए भेजना, अगर नहीं वरुण गांधी का टिकट काटना भारतीय जनता पार्टी को भारी तो पड़ गया, भारतीय जनता पार्टी को उल्टा पड़ गया। वरुण गांधी को टिकट देते तो पीलीभीत जीती हुई सीट थी, नरेंद्र मोदी के अहंकार और अमित शाह के अहंकार ने एक सीट हराई पीलीभीत। मैं तो इस तरीके से देख रहा हूँ इसको। नहीं बिल्कुल, देखिए वहां पर रहिए, लेकिन मेनका गांधी आप देखिए जहां पर कोई नेता प्रचार नहीं करने गया वो जीत सकती थी, लेकिन उनको चुनाव हराया गया। मेनका गांधी को चुनाव बार बार मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सुल्तानपुर में हराया गया और कुछ नहीं, कोई बड़ा नेता नहीं गया। वरुण गांधी को आखिरी दिन अपनी माँ के प्रचार के लिए सुल्तानपुर सीट पर आना पड़ा, लेकिन तब भी अच्छा मेनका गांधी चुनाव हारे। अनुज श्रीवास्तव जी पूरे चुनाव में ग्राउंड पर रहे, देखा समझा भाला, ऐसा क्या हुआ कि इतनी अहंकारी अजय भारतीय जनता पार्टी को इतनी बुरी हार जनता ने हराया है, इतनी बुरी हार हराई है कि नरेंद्र मोदी सरकार के पास या फिर मोदी की बीजेपी के पास बहुमत नहीं है आज की तारीख में, बहुमत से बहुत दूर है। 240 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह गई है, पूरा एनडीए 292 पहुंच पाया, बहुमत नहीं है, और राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि हम सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। और क्या रहा, क्या ऐसा आकलन, क्योंकि हम अब ये फाइनल आकलन कर रहे हैं कि हम लोगों ने क्या ऐसा देखा जो गोदी मीडिया नहीं देख रही थी, जो बाकी के लोग नहीं देख रहे थे। हम लोग क्यों ऐसा कह रहे थे कि जा रहे हैं इनका सफाया हो रहा है, जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या ऐसा देखा? देखिए भरत भाई, पहले तो एक बात ये, बड़े आराम से अनुज जी, बड़े आराम से अनुज भाई, बड़े आराम से तफसील से आप आकलन करिएगा कि क्यों इनकी ऐसी दुर्गति हुई, बड़े आराम से, कोई ऐसा वो नहीं है कि हमें बहुत जल्दी में बताना है, आराम से आप तफसील से। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार करेक्ट करिएगा, एक बार देखिएगा क्रॉस चेक, पीलीभीत से जितिन प्रसाद निकाल रहे हैं वो आगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं करेक्ट कर दूं, मुझे वही असमंजस था इसलिए मैं अभी पहले चेक किया, तकरीबन 166,000 वोट से जितिन प्रसाद ये चुनाव जीत रहे हैं, आगे लीड कर रहे हैं भरत जी। सुल्तानपुर हार गई है मेनका गांधी, लेकिन पीलीभीत जो है वो जितिन प्रसाद निकाल रहे हैं और अच्छी खासी लीड के साथ निकाल रहे हैं। अब रही बात कि ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर ये पूरी बाजी पलटती हुई दिखाई दी, सिचुएशन पूरी 360 डिग्री घूमती हुई दिखाई दी। देखिए पहली बात तो ये है कि अब मोदी के चेहरे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट नहीं पड़ा है, इस बात को आप जान लीजिए, इस बात को समझ लीजिए कि पीएम के चेहरे पर जो वोट पड़ जाते थे कि प्रत्याशी कोई भी हो यहाँ योगी और मोदी के नाम पर वोट पड़ जाएगा, वैसा कुछ होता नहीं दिखाई दिया है। रही बात अगर मुद्दों की तो मुद्दे बहुत सारे थे, दलित समाज जो था, बसपा का जो वोटर था वो पूरा का पूरा आप ये मान लीजिए कि शिफ्ट होता दिखाई दिया इंडिया गठबंधन में। संविधान का मुद्दा जो उठाया राहुल गांधी ने, वो वहां पर हिट किया, संविधान की जो वो कॉपी और किताब लेकर घूम रहे थे हर रैली में वो हिट हुआ, और बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर था वो इंडिया गठबंधन में शिफ्ट हुआ। दूसरा, मुस्लिम और यादव एक साथ दिखाई दिया इस चुनाव में, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाजवादी पार्टी की वरना इतनी बड़ी जीत हो ना पाती अगर मुसलमान और यादव वोट एक साथ ना हो। तीसरा, मैं अभी राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, राहुल गांधी का तीसरा वो खटाखट बहुत हिट हुआ। जब भी आप लोगों से पूछिए हाँ भाई किधर जा रहा है चुनाव, तो कहते थे खटाखट जा रहा है, तो खटाखट फटाफट ये सुनने में जरूर थोड़ा कॉमेडियन लग रहा था, लेकिन लोगों ने इसको तकिया कलाम बना लिया था और खटाखट बोल रहे थे तो वो लोगों की जुबान में चढ़ा। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, जो 2% 3% महिलाओं ने जो ज्यादा वोट दिया है वो महिला किधर गई है, हम लोग पूछ रहे थे कि वो महिलाएं किधर गई है वोट देने के लिए, तो वो महिलाओं का वोट इंडिया गठबंधन में पड़ा है, ये एक तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट आप देखिए, अखिलेश यादव, अगर मैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करूं तो अखिलेश यादव सबसे ज्यादा डेंट कहीं लगता हुआ भारतीय जनता पार्टी को दिखा है तो वो उत्तर प्रदेश दिखा है। तो यहां पर जो 43 सीटों में से 36-37 सीटें यहां पर समाजवादी पार्टी की आ रही है, पीडीए फॉर्मूला हिट होता दिखाई दिया है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। सबसे बड़ी बात है अखिलेश यादव ने जो टिकट बांटे हैं, जो प्रत्याशी चयन किए हैं वो बहुत ही स्मार्टली किए हैं और बहुत ही अच्छे प्रत्याशी उतारे मैदान में, जिनके लिए जो शुरुआत में असमंजस बन रहा था कि टिकट अच्छे नहीं बांटे अखिलेश यादव ने, एक बार फिर से 2022 वाली गलती कर रहे हैं, लेकिन वैसा कतई होता नहीं दिखाई दिया।
तीसरा अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, वो ये कि महंगाई, बेरोजगारी और इसके साथ ही साथ जो अग्निवीर की योजना है और जो पेपर लीक हुए हैं, वो मुद्दे जो हर रैली में एक ही भाषण हमने सुना है अखिलेश यादव का, राहुल गांधी का, पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, तो वो वोट बैंक जो है, वो तबका जो है वो एकजुट होता दिखाई दिया है। तीसरा, अगर आप देखें तो आप तीन तीन बार, चार चार बार एक ही आदमी को एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिपीट करते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात मैं कर रहा हूं, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी, उनके खुद के मौजूदा सांसदों से बहुत ज्यादा नाराजगी दिखाई दे रही थी, जिसका खामियाजा यहां पर भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी को यह लगा कि राम मंदिर का मुद्दा हम उठा रहे हैं, फ्री में राशन दे रहे हैं, बहुत कुछ कर दिया हमने और इसके बल पर हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने खासकर ये प्रूफ कर दिया, साबित कर दिया कि हमें आपका 5 किलो राशन नहीं चाहिए। और आप वादे करते हैं, जो आप देखिए, मेरे दो बातें जहन से नहीं जाती हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी किसी तरह के कोई लूज टॉक करते हुए नहीं दिखाई दिए, किसी तरह का कोई ढीला बयान मंच से देते हुए नहीं दिखाई दिए। अखिलेश यादव के मुंह से तो मैंने किसी का नाम तक नहीं सुना। वहीं आप जब मुजरे की बात करोगे, प्रधानमंत्री के मुंह से मुजरा शब्द अच्छा नहीं लगता है, और आप मंच से मुजरे की बात करोगे, आप मीट मटन मछली की बात करोगे, आप मंगलसूत्र की बात करोगे, आप हिंदू मुसलमान की बात करोगे, आप भैंस चोरी होने की बात करोगे, तो आप समझिए कि चुनाव कैसे निकलेगा। देश के लोग समझ रहे ना कि भाई आप प्रधानमंत्री हैं, भरत भाई मैं और आप अगर मंच पर दे दिया जाए माइक तो शायद मुजरा शब्द हम और आप इस्तेमाल ना करें, यहां प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल किया है। तो ये तमाम फैक्टर जो निकल कर आए हैं, जो मेरा छोटा सा एनालिसिस है, अभी और भी एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो ये छोटी छोटी बातें मुझे समझ में आई है। लेकिन हाँ, बहुत बहुत ड्रॉबैक यहां पर एक देखने को मिला बहुजन समाज पार्टी के लिए। तीन बातें हैं यहां पर। बहुजन समाज पार्टी, देश में किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा चुनाव हो रहा होगा, और उत्तर प्रदेश में आज हमने कितनी बार मायावती और बीएसपी का नाम अपने लाइव में लिया, 5-7 घंटे मैंने लाइव किया है, आप तो खैर सुबह से कर ही रहे हैं लगातार 12 घंटे से, आपने कितनी बार मायावती का नाम लिया? कोई मायावती का नाम लेने वाला नहीं है उत्तर प्रदेश में इस वक्त। मायावती कहां है, पहली बात। दूसरी बात, 2014 में 0 सीटें आई थी, 2024 में 0 सीटें आई थी। अब अखिलेश यादव को यह कहने का मौका मिल गया है कि 2019 में हम ना होते तो वो 1 और 0 था, वो 1 हट जाता और 0 ही होता 2019 में भी, तो वहां गठबंधन था, तो यहां समाजवादी पार्टी को कहने का मौका मिल गया। एक और बात, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ये जान गई है कि मंदिर मस्जिद ठीक है, पूजा पाठ करने के लिए अपनी श्रद्धा का विषय जरूर है, अगर आप अयोध्या की सीट हार जाएंगे, अवधेश प्रसाद अगर वहां से जीत जाएंगे, तो अब भारतीय जनता पार्टी, और सुनिए, रो रो कर अरुण गोविल जीते हैं, रो रो कर अरुण गोविल जीते हैं, खिसक खिसक कर जीते हैं, हारी हुई सीट जीते हैं। तो यहां पर अगर अरुण गोविल भी हार जाते तो नाक यहां से नहीं, यहां से कटती, जो राम मंदिर का मुद्दा इतना ज्यादा उठा रखा था। एक और बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले राउंड में पीछे चल रहे थे अजय राय से, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी की अजय राय की हार कर भी जीत हुई है। अगर आप एक राउंड में भी प्रधानमंत्री को पीछे कर देते हो तो ये आपकी जीत है। अब इस बात को अजय राय भुनाते रहेंगे ता जिंदगी कि हमने प्रधानमंत्री को एक राउंड में तो कम से कम पीछे कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1.5 लाख वोटों से जीतते हैं, राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं और 3-3, 4-4 लाख वोटों से जीतते हैं। 2 लाख वोटों से तो तनुज पुनिया जीत रहे हैं, डिंपल यादव रिकॉर्ड बना रही हैं, ऐसे ना जाने कितने प्रत्याशी हैं जो 1.5 से 2 लाख से ज्यादा जीत रहे हैं। राजनाथ सिंह 75,000 वोट, इमेजिन कीजिए 75,000 वोट लखनऊ में, वो भी बगल की मोहनलालगंज सीट आप हार रहे हैं, लखनऊ में 75,000 से जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति हो गई है अंदाजा आप लगा सकते हैं भरत भाई। बिल्कुल, ये कहिए कहिए, बात कहिए बात कहिए, बात कंप्लीट करिए। बिल्कुल, तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, लखनऊ में अगर 75,000 से राजनाथ सिंह जीतेंगे और बगल की मोहनलालगंज सीट हार जाएंगे, और आप देखिए लाइन से देखिए ना, मोहनलालगंज ले लीजिए, अमेठी ले लीजिए, रायबरेली ले लीजिए, सुल्तानपुर ले लीजिए, पीलीभीत प्रतापगढ़ ले लीजिए, कौशाम्बी ले लीजिए, अयोध्या ले लीजिए, बाराबंकी ले लीजिए, आप देखिए पूरी चेन है जो यहां पर हारी है।
और इसी एरिए में हम लोग जब चुनाव हो रहा था तो इसी एरिए में हम लोग ये कह रहे थे कि इस क्षेत्र में राम मंदिर का मुद्दा देखिएगा बहुत हावी होगा और राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव आर या पार होगा, उसका एक परसेप्शन बनेगा। और उसी एरिए में अवध क्षेत्र में, अवध से लेकर पूर्वांचल तक, जहां पर राम मंदिर का मुद्दा सबसे ज्यादा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जो भारतीय जनता पार्टी तो डूबी उनके सहयोगी दल भी डूब गए। आप ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर को देख लीजिए, ठेका उठाया था ओपी राजभर ने पूर्वांचल का, घोसी का, क्या हुआ, अरविंद राजभर की सीट नहीं बचा पाए और हार का सामना करना पड़ा। और राजीव राय भयंकर वोटों से जीते हैं, भयंकर भर भर के वोट मिले हैं। हम लोग सोच रहे थे बालकृष्ण चौहान खेल खराब होगा, लेकिन यहां पर राजीव राय ने खेल खराब नहीं किया है, पूरा तहस नहस कर दिया है। आप देखिए रॉबर्ट्सगंज देख लीजिए, रॉबर्ट्सगंज में बुरी हालत हो गई। अनुप्रिया पटेल रो रो कर जीती हैं, अनुप्रिया पटेल कभी पीछे चल रही, कभी आगे चल रही हैं। एक झटके में अगर अनुप्रिया पटेल जीत जाती तो बात अलग होती, भारी मतों से जीत जाती तो बात अलग होती, लेकिन किस तरह से वो आगे निकली है वो हम सब ने देखा है। तो जो सहयोगी दल है उनकी भी हालत बुरी है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की। अब इस हार का ठीकरा किसके सर ये गोदी मीडिया फोड़ेगा, ये भी देखना बहुत जरूरी है। क्या एंकर के पीछे बड़ी बड़ी नरेंद्र मोदी की फोटो लगेगी उत्तर प्रदेश का, जब बुलेटिन चलेगा उत्तर प्रदेश की, जब डिबेट होगी तो क्या नरेंद्र मोदी की फोटो लगेगी, या जेपी नड्डा के सिर्फ ठीकरा फोड़ दिया जाएगा, या फिर यहाँ के मुख्यमंत्री के सिर फोड़ दिया जाएगा, या यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष की फोटो लगेगी, किसकी लगेगी देखना होगा। रही बात आप जो 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 एग्जिट पोल की कर रहे थे, एकदम सही बात है, एग्जिट पोल आया शेयर मार्केट अप हुआ, रिजल्ट आए एग्जैक्ट रिजल्ट आए शेयर मार्केट ऐसा डाउन हुआ है। भरत भाई मेरी कई लोगों से बात हुई है, कह रहे खून के आंसू रो रहे हैं, कोरोना काल से भी ज्यादा, कोरोना काल से भी ज्यादा यहां पर बुरा हाल हो रखा है इस समय शेयर मार्केट का। मजाक चल रहा है क्या देश में? आप कुछ भी परसेप्शन बना दोगे क्या? आप कहीं से भी एग्जिट पोल ले आओगे क्या? मुझे बताइए तो सही, हम देश की जनता है, हमें बताइए तो सही कि वो आपने कितने लोगों से बातचीत की है, और दावा ठोक रहे हो कि 400 सीटें आएंगी, या बहुमत में नहीं आ रहे हो आप, हर एक सर्वे दिखा रहा है कि 400 सीटें आएंगी, मजाक बना रखा है। कितने लोग बर्बाद हो गए होंगे, मिडिल क्लास के कितने लोग यहां पर शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, ये हम जानते हैं कितने लोग पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में, उनका पैसा डूबा उसका जिम्मेदार कौन होगा, इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, आप बताइए ना। लेकिन नहीं, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, उत्तर प्रदेश में संजीवनी मिल गई है कांग्रेस पार्टी को, उत्तर प्रदेश में संजीवनी मिल गई है समाजवादी पार्टी को। पिछले कई चुनाव चुनाव दर चुनाव हार रहे थे, लोकतंत्र के लिए यह अच्छा भी है, विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, और वही होता दिखाई दे रहा है भरत भाई। जी चंद्रकांत जी, अब आपकी बारी, क्या कहता है? देखिए क्योंकि मैंने इसलिए आप सब लोगों को बुलाया है, सिर्फ इसलिए कि इसलिए बुलाया है, मैं किसी और गेस्ट को नहीं ले रहा हूं अभी, इसलिए सिर्फ बुलाया है कि हम लोग चर्चा कर रहे थे, हम चार लोग, कभी अनुज जी, मयंक जी, चंद्रकांत जी, हम, प्रज्ञा, आप सब लोग चर्चा कर रहे थे इस बारे में, और इस चर्चा में कई सारे एनालिसिस निकाल रहे थे, कुछ यहाँ निकाल रहे थे, वहां निकाल रहे थे, पहले चरण से आखिरी चरण सब देखा हमने, सब दर्शकों ने देखा। अब जब भारतीय जनता पार्टी की ये दुर्गति हुई है, बहुमत का आंकड़ा नहीं छुपाए हैं, तब क्या कहता है आपका एनालिसिस, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और बहुत ईमानदारी से, बहुत शांति से, जितना भी समय आप लेना चाहें, आज मैं कोई टोका टाकी नहीं करूंगा, बीच में नहीं कहूंगा कि समय खत्म हो गया। बहुत सारे दर्शक कहते थे कि अरे 20 मिनट आए चले गए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी डिबेट्स चर्चाएं ऐसी की हैं 20 मिनट 25 मिनट या आधा घंटा। आज मैं आपको नहीं टोकूंगा, आज आप ये बताइए कि क्यों इतनी दुर्गति हुई है, महामानव जैसे व्यक्ति की इतनी दुर्गति हुई है। चंद्रकांत जी आप देखिए, सबसे पहली बात कि मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा, कुछ चार लाइनें हैं, नया निजाम नया ऐलान बंदिशें नई, नया निजाम नया ऐलान बंदिशें नई, हम फकत लश्करे शाही के ही माफिक सोचें, और साहिब वक्त ने ये ऐलान किया है जारी, अपनी नस्लों से कहो कि मेरे मुताबिक सोचें। एक 10 साल में एक नरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि जो हमने कह दिया वो हिंदुस्तान में पत्थर की लकीर है, जो हमने कर दिया वो नजीर है, ये एक नरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, एक दबाव बनाने की कोशिश की गई कि मोदी जी कह रहे हैं इसलिए ये बात सही है, मोदी जी कह रहे हैं इसलिए ये बात मानी जानी चाहिए।
ये उस नरेटिव को भी नकारने का प्रमाण है, पहली बात। दूसरी बात, मैं खास तौर पर उत्तर प्रदेश की बात करना चाहूंगा। देश में जो परिस्थितियां हैं वो हम देख रहे हैं, लेकिन आपका सवाल उत्तर प्रदेश पर है तो मैं आपको उसके नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और पूरा जो इनका संगठन है उसकी हार की, मुझे जो मैं एनालिसिस सुबह से देख रहा हूं, समझ रहा हूं और इतने दिनों में जो समझा है, मुझे तीन मोटी मोटी वजह समझ में आती है। देखिए, 10 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल चल रहा था, लेकिन 10 सालों में उनके मुकाबले या उनके मुकाबले उत्तर प्रदेश में पूरे इस चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान कोई चेहरा खड़ा होने ही नहीं दिया गया। यहां पर आप योगी आदित्यनाथ का नाम मत जोड़िए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास पद है, वो मंच पर रहेंगे, ये उनका प्रोटोकॉल है। लेकिन आप देखिए क्या क्या संगठन में ऐसा कोई बड़ा चेहरा तैयार किया गया, उसका जवाब है नहीं। दूसरा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ, इस गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी की राहें मुश्किल कर दी। असल में दिक्कत कहां पे रही, भाजपा को लगा कि यह गठबंधन वैसा ही है जैसा 2017 में हुआ था, जैसा 2022 में हुआ था, ये वैसे ही गठबंधन है जैसा 2019 में हुआ था, लेकिन ये हो नहीं सका। दूसरा, एक नेगेटिव कैंपेन चलाने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की, नकारात्मक प्रचार चलाने की, जिसमें न भाषा की मर्यादा थी, न शब्दों का संतुलन था, ना ही किसी सामने वाले विपक्ष के प्रति सम्मान था, पहली बात। दूसरी बात, मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण दिशा में आपको लेकर जाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा केंद्र है पूर्वांचल, और पूर्वांचल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद बनते हैं। इसके बाद मैं दूसरे भी पॉइंट पर आपको लेकर चलूंगा। पूर्वांचल से नरेंद्र मोदी सांसद बनते हैं, पूर्वांचल से योगी आदित्यनाथ, पूर्वांचल से योगी आदित्यनाथ आते हैं गोरखपुर से। लेकिन भरत जी, उस पूर्वांचल में क्या होता है? उस पूर्वांचल में आजमगढ़ की सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, गाजीपुर की सीट हार जाती है, घोसी की सीट हार जाती है, मछली शहर, जौनपुर, चंदौली, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, सुल्तानपुर, बस्ती, ये तमाम सीटें हार जाती है, रॉबर्ट्सगंज, लालगंज, ये तमाम सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई और तमाम सीटों पर अभी पीछे चल रही है, एक बात। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, धौरहरा में आनंद भदौरिया चुनाव जीत गए हैं, लखीमपुर में उत्कर्ष वर्मा चुनाव जीत गए, टेनी चुनाव हार गए, ऐसा क्यों हुआ इस पर भी बात करेंगे। लेकिन भरत जी, आप एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता है कि जब धर्म की बात होती है, जब तीर्थ की बात होती है, जब संस्कृति की बात होती है, तो वाराणसी को सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, अयोध्या को सनातन का केंद्र माना जाता है, सीतापुर को माना जाता है, प्रयागराज को माना जाता है, इनमें वाराणसी को छोड़ दीजिए तो बाकी तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई, सीतापुर भी हार गई, प्रयागराज भी हार गई, अयोध्या भी हार गई। वाराणसी तो जीत कर हार गए। हाँ, मैं कह रहा हूं वाराणसी में जीत का जो अंतर है वो 14-19 दोनों से कम होकर आधे से भी कम है, आधे से भी कम है। भरत जी, पिछली बार 4,77,000 था, उसको अगर आप देखें तो मोटा मोटा 5 लाख समथिंग होता है, आधा करेंगे तो 2.5 लाख होता है, और आधा करिए तो 2 लाख होता है, जीत होती है 1,54,000 से। ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे भी तमाम वजह है। अब मैं कुछ देर के लिए आपसे अखिलेश यादव के उस पीडीएफ फॉर्मूले पर बात करना चाहता हूं। उस पीडीएफ फॉर्मूले में आखिर था क्या? अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 62 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़े, 17 सीटें कांग्रेस को दी, 1 सीट टीएमसी को दी, और टीएमसी को वो सीट देना कहीं ना कहीं गलती हुई। अगर ललितेश पति सपा के सिंबल पर लड़ते तो चुनाव जीतते, फिलहाल वो चुनाव हार गए हैं, एक बात। दूसरी बात, अखिलेश यादव ने क्या किया, अखिलेश यादव ने 5 यादवों को टिकट दिया जो 5ों यादव उनके परिवार के थे, पहली बात। दूसरी बात, 27 ओबीसी को टिकट दिया, 4 ब्राह्मण, 2 ठाकुर, 2 वैश्य, 17 दलित, 1 खत्री और 4 मुस्लिम। अब आप सोचेंगे कि ये जो मैंने आपको समीकरण बताया है ये क्यों बताया है। उत्तर प्रदेश में हुआ क्या कि अयोध्या के सांसद थे लल्लू सिंह, जो चुनाव हार गए, आपको याद होगा बहुत अच्छी तरह, आपने वो बयान भी सुना था, उन्होंने कहा था कि अगर इतनी सीटें हमको दे दो तो हम संविधान में कुछ बदलाव कर दें। ये लल्लू सिंह का अयोध्या में दिया हुआ स्टेटमेंट था, और इसके बाद तमाम बयान आए, प्रधानमंत्री ने इसके बाद एक स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट के शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वयं बाबा साहब अंबेडकर भी धरती पर उतर आए तब भी संविधान नहीं बदलेगा।
ये था तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए, लेकिन दलितों के बीच इसका नेगेटिव नैरेटिव सेट हुआ और एक मैसेज चला गया कि अगर भाजपा आपकी सरकार में आ गई तो संविधान खत्म कर देगी। और आप देखिए इसी वजह से मायावती के साथ दलित वोटर नहीं गया, वो इंडिया गठबंधन में शिफ्ट हो गया। एक बात, दूसरी बात मैं जिस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वो ये है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दलित और ओबीसी इन दोनों के बीच में तीन मुद्दे चले, संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण, इन तीनों मुद्दों पर जबरदस्त वोटिंग देखने को मिली। पहला, अब आपके मन में भरत जी ये सवाल भी हो सकता है कि आखिर चुनाव तो जीत गए लेकिन राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने आखिर ऐसा किया क्या? उसमें भी मैं आपको तीन पॉइंट बताना चाहता हूं। पहला, दोनों नेताओं का फोकस सिर्फ और सिर्फ यूथ सेंट्रिक था, युवाओं पर पूरा फोकस रखा गया। और दूसरी बात भरत जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारतीय जनता पार्टी ने खूब कोशिश की कि विपक्ष के राहुल, अखिलेश, प्रियंका, ये तमाम नेता हमारे नेगेटिव नैरेटिव में फंस जाएं। हम जिस तरीके से नेगेटिव प्रचार कर रहे हैं, हमारी पिच पर आकर बैटिंग करें, हुआ नहीं। वो राहुल गांधी की पिच पर उतरना पड़ा प्रधानमंत्री को बैटिंग के लिए, खटाखट का जवाब देना पड़ा और राहुल गांधी ने कहा कि जो चाहूंगा वो प्रधानमंत्री के मुंह से बुलवा दूंगा। अडानी का नाम 10 सालों में नहीं निकला था लेकिन चुनाव में निकल आया, पहली बात। दूसरी बात, एक आरोप था कांग्रेस और सपा के गठबंधन पर, यह लगाया जा रहा था कि मुस्लिम पूरा इधर चला जाएगा, हिंदू पूरा इधर चला जाएगा और भारतीय जनता पार्टी आसानी से 70-75 सीटें जीत लेगी। लेकिन जो कोशिश थी मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाने की, वो भी काम नहीं कर पाया यहां पर। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया था कि आपकी संपत्ति को छीन कर उनको दे दी जाएगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं, ये वाला स्टेटमेंट भी भरत जी बैकफायर कर गया और इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा, एक बात। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश और राहुल ने बेहद, आप कह सकते हैं, टेस्ट मैच की तरह संतुलित पारी खेली है, एक एक शॉट को समझा है, एक एक स्टेप को समझा है और फिर आप देखिए पूरे चुनाव में उनकी जुबान से ऐसा कोई शब्द नहीं निकला जिसको बीप करना पड़े, जिसको विवादित कहना पड़े, जिसको अमर्यादित कहना पड़े। लेकिन उधर से एक लंबी फहरिस्त थी, सोनिया गांधी के ऊपर जिस तरह की टिप्पणी हुई, वहां से यादव परिवार पर जिस तरह की टिप्पणी हुई और इंडिया और एनडीए के तमाम नेताओं ने जिस तरीके की टिप्पणियां, चाहे बिहार में अगर रोहिणी भाभी कह रहे थे, बिल्कुल आप सोचिए, बहू की उम्र का बेटा है उनका, वो डिंपल जी को डिंपल भाभी कह रहे थे, आप सोचिए, ये यही तो दिखा। अरे भरत जी, रोहिणी आचार्य बिहार में लालू प्रसाद की बेटी ने जो लालू के लिए किया, मैं सैल्यूट करता हूं रोहिणी आचार्य को उनके उस कदम के लिए, अपने पिता की उन्होंने जान बचाई। और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी क्या कहते हैं कि सौदा करके टिकट दिया है। आप सोचिए क्या ये बयान बैकफायर नहीं किया, उसका असर बिहार में हुआ हो ना हुआ हो, उत्तर प्रदेश में उसका असर हो गया और तगड़ा असर हो गया। खैर, बयानों की लंबी फहरिस्त है, उस श्रृंखला में जाएंगे तो बहुत लंबी बातचीत होगी। पूर्वांचल में 30 लाख ठाकुर है, एक और नुकसान आपको बताता हूं, धनंजय सिंह जरूर भारतीय जनता, और मैंने आपसे कहा था भरत जी, शायद आपको मेरी बात याद होगी, कि धनंजय सिंह जरूर आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन इंटरनली ही इज नॉट सपोर्टिंग भारतीय जनता पार्टी। और वही हुआ, जौनपुर मछली शहर दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई, क्योंकि धनंजय सिंह को, श्रीकला सिंह को जिस तरह से दबाने की कोशिश की गई मुकदमों में, जेल भेजकर, जांचों में, उसने भी नाराजगी पैदा कर दी। दूसरा, राजा भैया को जिस तरह से अपमानित किया गया, जिस तरीके से अपमान हुआ, उन्होंने मैंने कहा था आपसे, अनुज जी भी गवाह है इस बात के, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, तीनों सीटों पर राजा भैया ने अपना दमखम दिखा दिया कि आखिर उनका दमखम क्या है। तो आप देखिए, मैं आपसे बार बार एक बात कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस बार जानबूझकर कुल्हाड़ी पर पैर मारने का काम किया है, चाहे वो अनुप्रिया पटेल के स्टेटमेंट हो, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर के स्टेटमेंट हो, चाहे वो केशव मौर्य के स्टेटमेंट हो, चाहे वो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट हो। आप देखिए जिस अब क्या सीन बनना है उत्तर प्रदेश में, अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव का सीन बन रहा है, दो तीन सीटों पर,
पहला अवधेश प्रसाद सांसद बन गए तो वो इस्तीफा देंगे विधायकी से, वो एक सीट खाली होगी, वो एक सीट खाली होगी उनकी। और दूसरा इरफान सोलंकी को दोषी करार दे दिया गया है, सजा उनकी ऐलान होगा, उनकी भी विधायकी जा सकती है, 17 साल में पहली बार उनकी विधायकी जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा, आप देखेंगे वहां पर भी नतीजे क्या कुछ रहेंगे। खैर वो एक दूसरा पहलू है, लेकिन मैं एक और बात आपसे कहूं, अजय राय ने जिस तरह शुरुआती नतीजों में, शुरुआती रुझान में, शुरुआती 3 राउंड में प्रधानमंत्री को पीछे रखा, शुरुआती 3 राउंड में प्रधानमंत्री पीछे रह गए, और कहां, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के 100 नेता प्रचार कर रहे थे, 100 नेता वाराणसी में कैंप कर रहे थे, गली गली घूम रहे थे, वहां 1.5 लाख वोटों से प्रधानमंत्री चुनाव जीतते हैं। और मैं आपके आकलन को आज वाकई में सलाम करता हूं। जब हमारी और आपकी चंद्रकांत, मैं इस पे एक चीज ऐड करना चाहता हूं भाई, जब रोड शो होता है तो 10 लाख लोगों की भीड़ रोड पर आ जाती है और बड़े बड़े न्यूज चैनल मीडिया हाउसेस लाइव करके दिखाते हैं, ओबी लगा करके, देखिए कितना जनसैलाब उमड़ा, और मात्र 1.5 लाख लोगों की वोटों से यहाँ पर लीड मिलती दिखाई दे रही है, ये बात कुछ हजम नहीं होती है। देखिए अनुज जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, राजनीति में भीड़ कभी, मोदी जी की बात कर रहे हैं जी, राजनीति में भीड़ कभी पैमाना होती नहीं है अनुज जी, पहली बात, अगर भीड़ पैमाना होती तो बिहार में तेजस्वी को क्लीन स्वीप करना चाहिए था, पहली बात, लेकिन तेजस्वी के साथ जो कुछ हुआ वो हम चर्चा उस पर भी करेंगे। प्रधानमंत्री को देखने का देखिए एक चार्म होता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हर कोई जानता है, बड़ी स्वाभाविक सी बात है। अगर प्रधानमंत्री हमारे आपके घर के पास रोड शो करने लगेंगे तो अनुज जी ईमानदारी से कह रहा हूं कि छज्जे पर मैं भी खड़ा हो जाऊंगा, पहली बात, ये भीड़ होती है, देखने का एक चार्म होता है और ये जाहिर सी बात है। लेकिन अगर आपके शहर में कोई सुपरस्टार आ जाए और वो रोड शो कर रहा हो, कोई एक्ट्रेस आ जाए, कोई एक्टर आ जाए, आप उसको देखने के लिए चले जाएं, आप उससे हाथ मिलाने चले जाएं, आप उससे सेल्फी लेने चले जाएं, इसका मतलब ये कतई नहीं कि आप उसकी फिल्म देखने भी जाएंगे। लेकिन लेकिन इस बार फिल्म देखी है अखिलेश यादव की लोगों ने, इस बार हाँ। जो है जो भीड़ उमड़ी है वो वोटों में तब्दील हुई है भाई, 36-37 सीटें लाना आसान काम नहीं है उत्तर प्रदेश में। हाँ। ये कब होता है, जब आपको कहानी का नायक भी पसंद है और कहानी भी पसंद है, जब दोनों पसंद होते हैं तो परिणाम ये निकलता है। लेकिन वाराणसी में क्या हुआ, देखिए एक 10 साल में लोग नरेंद्र मोदी सुन रहे थे, 400 पार का नारा दिया जा रहा था, तमाम चीजें हो रही थी, हम ये नहीं कहते कि देश का माहौल क्या था क्या नहीं था, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि पिछले डेढ़ दशक में मुझे व्यक्तिगत तौर पर विपक्ष पहली बार इतना संगठित, इतना संतुलित और इतना समन्वय और संवाद के साथ चलने वाला दिखा है। इसको हर किसी को मानना चाहिए, जो लोग नहीं मान रहे मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मानना चाहिए कि विपक्ष ने एक संतुलित चुनाव लड़ा है। देखिए राजनीति में जीत और हार चलती है, नंबर गेम है, मैंने शुरू में कहा था अनुज जी तब आप नहीं जुड़े थे कि राजनीति अंक गणित का नहीं बीज गणित का खेल है, और युद्ध कभी भी इस बात से याद नहीं रखे गए इतिहास में कि आप जीते हैं या आप हारे हैं, युद्ध हमेशा इस बात से याद रखे गए हैं कि आपने गोली छाती पर खाई है या पीठ पर खाई है, ये बात मैं अक्सर कहता हूं और आज फिर बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। तो इतिहास 2024 के लोकसभा चुनाव को याद रखेगा तमाम बयानों के लिए, तमाम विवादित बयानों के लिए, और देश की सबसे पुरानी पार्टी को मुजरा जैसा शब्द कहकर संबोधित करके अपमानित करने के लिए भी ये चुनाव जाना जाएगा, ये चुनाव तमाम कारणों से जाना जाएगा। लेकिन जो आज देश की तस्वीर बनी है लोकतंत्र में, ये तस्वीर अनुज जी बहुत वर्षों के बाद आई है, बहुत इंतजार किया है विपक्ष ने इस तस्वीर का, तो विपक्ष का प्रसन्न होना भी स्वाभाविक है, लेकिन विपक्ष से भी कई मौकों पर कुछ गलतियां हो गई हैं, और उन गलतियों को मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष समझेगा। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने ताकत दिखाने की और अपना संतुलन और अपने बीच का संवाद दिखाने की कोशिश की है, वो भी लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है, लेकिन कहीं ना कहीं संवाद में भी कुछ कमियां रही होंगी, उनको विपक्ष दूर करेगा तो स्थिति बेहतर होगी। लेकिन आज की तारीख में अगर मैं आपसे ये कहूं कि एनडीए सरकार बनाने जा रहा है तो ये जल्दबाजी हो जाएगी,
ये जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि सीट जिस तरीके से दोनों पक्षों की दिख रही है, जिस तरीके से नीतीश कुमार बिहार में असंतुलित होने लगे हैं, जिस तरीके से टीडीपी अपने रुख में परिवर्तन के बारे में विचार करने लगी है। देखिए मैंने एक बात आपसे कही थी अनुज जी, शायद आपको याद हो, आज भी कही थी और कुछ दिन पहले भी कही थी, कि विपक्ष हो या एनडीए हो, तमाम छोटे छोटे दल जो हैं वो गठबंधन में कांग्रेस के साथ जाना पसंद करेंगे बजाय बीजेपी के, बजाय मोदी के। अब आप सोचिए कि क्या नरेंद्र मोदी एक ऐसी सरकार के मुखिया बनकर सरकार चलाना पसंद करेंगे जिस सरकार में उनकी अपनी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, और अगर वो ऐसी सरकार बना भी लेते हैं तो आने वाले 6 महीने जिस वो सियासी तूफान की बात कर रहे थे, जिस असंतुलन की बात कर रहे थे, उसको लेकर एक पूर्वाग्रह से ग्रसित वो हमेशा रहेंगे, हमेशा एक डर का भाव रहेगा सरकार को लेकर। ऐसी स्थिति में मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगला कुछ वक्त, अगले कुछ घंटे, अगले कुछ दिन भारतीय राजनीति के लिए बेहद अहम है, बेहद जरूरी है, और हर किसी की नजरें भारत की राजनीति पर और इन चुनाव के परिणामों पर टिकी है। लेकिन मैं बस आखिर में भरत जी 15 से 20 सेकंड में एक बात फिर से कहना चाहता हूं, जो मैं बार बार कह रहा था कि ये जनादेश सिर्फ किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ये जनादेश संपूर्ण उस वर्ग के खिलाफ है जिसने एक सियासी दलों के गठबंधन को अपमानित किया है इंडी इंडी लिखकर। बहुत गलत व्यवहार। इंडी क्या होता है, व्हाट इज इंडी? और दूसरा जिस तरीके से ये कहा गया कि हमको विपक्ष को अपने चैनल में स्पेस नहीं देना है, ये भी बहुत ज्यादा नकारात्मक भावना रही।